Question is find the values of a and b so that this polynomial is divisible by x square plus 1. तो ये जो भी polynomial दिया हो हम इसे पी एक्स मान लेते हैं. पी एक्स क्या है? एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको जी एक्स मान लेते हैं. ये पी एक्स जी एक्स से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको जीरो की कोल पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर आ गया. सो देयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पे -1 है. ओके तो ये -1 सो दिस इज़ -1. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1. मतलब एक्स की वैल्यू -1 है या तो एक्स की वैल्यू +1. ये दोनों वैल्यूज़ के लिए ये दोनों जो वैल्यूज़ है ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के. ओके तो फिर हम क्या करेंगे, हम p(1) पुट करेंगे. p(1) की वैल्यू 0 की इक्वल आनी चाहिए क्योंकि 1 जो है वो इसका फैक्टर है. तो ये आ जाएगा 1 to the power 4 प्लस 1 क्यूब 8 into 1 स्क्वायर प्लस a into 1 प्लस b. ये किसकी इक्वल आना चाहिए 0. तो ये आ गया 1 प्लस 8 प्लस a प्लस b. दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 8 प्लस 1 10. वो इस साइड जाके -10 हो गया. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब p -1 भी जो है वो भी इसका 0 है तो यहाँ पे अगर हम -1 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 की इक्वल आनी चाहिए. ये भी 0 की इक्वल आना चाहिए. -1 की पावर 4 1, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1. तो ये आ गया +8 माइनस a प्लस b इक्वल टू 0. तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो -a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई -8 की इक्वल. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय एडिंग दीज इक्वेशन a प्लस b इक्वल टू -10 एंड -a प्लस b इक्वल टू -8. तो a से - a कैंसिल हो गया. ये आ गया 2b इक्वल टू -18. तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -18/2 विच इज़ इक्वल टू -9. अब b की वैल्यू -9 आ गई. हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस -9 इक्वल टू -10. तो a की वैल्यू आ जाएगी -10 प्लस 9. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -1. ओके तो a और b की वैल्यूज़ आ गई -1 एंड -9. सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन.